हेलो एंड वेलकम। ये इंटीग्रेशन का हम लोग का जो है 17वां नंबर लेक्चर है, 17th नंबर लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है कुछ फार्मूला को देखा था, जो छह फार्मूला था उनको देखा था। और अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया आपको एक लेक्चर से लेकर के टोटल 16 लेक्चर तक, तो इसमें जो हम लोगों ने कवर किया इसमें हम लोगों ने किया बेसिक फार्मूला जो था, बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का वो कवर किया। उसके बाद से फिर हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसी दोनों का यूज करके हम लोगों ने बेसिक फार्मूला तो पढ़ा ही, उसके बाद से हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा जो है फंक्शंस को देखा था, फलन को देखा था। और मैंने क्या बोला था कि कुछ कुछ ऐसा भी फंक्शन है जिसका कि हमको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। और जो है हम लोग यही क्या कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को देखें जिसका कि डायरेक्ट रिजल्ट हमको हम बोले याद करने के लिए, और प्लस आपको उसका पूरा मेथड हम बताएं कि कैसे वो आ रहा है। और अभी तक जितना भी हम लोग यूज किए थे, तो इंटीग्रेशन में क्या यूज किए थे अभी तक, हम लोग सिंपली बेसिक फार्मूला यूज कर रहे हैं, और क्या यूज किए थे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किए थे, मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही अभी तक हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो किया है। तो ये किया था। आज जो है हम लोग देखिए, पहला मेथड हम लोग क्या पढ़ते, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इंटीग्रेशन। आज जो है हम लोग दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, दूसरा मेथड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब जैसे देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि पढ़ने के बाद आपको जो है बहुत सारा ऐसा फंक्शन आया था, ऐसा फंक्शन आया था, ठीक है, जिसका कि इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ रहा था उसका रिजल्ट को। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अगर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका रिजल्ट आपको याद रखना पड़ा था। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ा था। तो ये कब, जब हम लोगों ने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था तब, यानी कि जब हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा पढ़ा था, तो ये सब रिजल्ट को क्यों याद रखना पड़ा था, ताकि हमको सिंप्लीफिकेशन में और आसानी हो। जैसे कि लास्ट टाइम में हम एग्जांपल दिए थे तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि क्यों जरूरी है इंटीग्रेशन के जो फंक्शंस है, कुछ फंक्शंस है दो बेसिक वाला है तो आपको याद रखना ही है, वो तो एनी हाउ आपको याद रखना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस है जिनका कि इंटीग्रेशन भी याद आपको रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या, जब जैसे कि खंडशः समाकलन जब पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन होंगे जिनके कि रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे, और हम आपको वहां पे उसको जो है बता देंगे किसको याद रखना है, किसको नहीं याद रखना, किसको आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सारी बातें हो गई अभी तक। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर को देखा कि 1 से 16 तक कैसे किया क्या, कैसे हमारा पूरा फ्लो रहा इंटीग्रेशन पढ़ने का। और हाँ, एक बात मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम आप लोग से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी का, वो आप लोग सॉल्व करिए। और जब इंटीग्रेशन मेरा जब बताने का लास्ट होगा, तो मैं जो है डिफरेंट आपका सीरीज चलेगा जिसमें कि सिर्फ एक्सरसाइज प्रॉब्लम ही सॉल्व किया जाएगा, तो उसमें आपका ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और मैं काफ़ी एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे कि आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हो भी रहा है तो आपको पूछना है, अगर पूछना कैसे है तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट यानी कि खंडशः समाकलन। अब देखिए क्यों ये मेथड पढ़ने का जरूरत पड़ा, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे मेथड ऑफ प्रतिस्थापन, यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो पढ़े थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो वो हम लोग क्यों पढ़े थे, वो हम लोग इसलिए पढ़े थे कि कुछ कुछ ऐसा फंक्शन आता है जहाँ पे हमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे, प्रतिस्थापन कर दे रहे थे, तब जो है वो बेसिक फार्मूला में टूट रहा था, तब जो है वो उसका जो है एक्सप्रेशन जो है अल्टीमेट बेसिक वाले फार्मूला में, इंटीग्रेशन जो बेसिक का इंटीग्रेशन फार्मूला उसमें आ रहा था। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि कुछ कुछ ऐसा फंक्शन है जिसका कि ना आपको बेसिक फार्मूला से में तो नहीं मिलेगा वो इंटीग्रेशन, और उसका जो है मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस केस में जब हम लोग पढ़ेंगे ऐसा फंक्शंस का इंटीग्रेशन,
जिससे कि हम लोग जो है मतलब उसके इंटीग्रेशन मेथड्स को जाने कि उस टाइप के फंक्शन के को कैसे हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है ना, देखिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर मान लीजिए कि एक आपको यू और भी, यानी तो यू भी छोड़िए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको कि हम लोग फलन बोलते हैं हिंदी में, एफ एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। दो दो फंक्शन है जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, और तब जो है इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। पहले मैं जनरल फॉर्म में बात करूंगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगी, अगर लेक्चर में बने रहिएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी, आपको बस बने रहना है। तो अब देखिए कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक। अब जब अगर इस टाइप का अगर हम एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए आपको धीरे धीरे मैं चीज़ों को कनेक्ट कर दूंगा, आपको अभी धैर्य रखना है और चीज़ों को सीखना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, तो इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका है, जो फॉर्मूला आता है आपका डेरिवेशन के बाद। तो डेरिवेशन अभी हम लोग छुपाते हैं, हाइड करते हैं, उसके और नहीं जाते हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, एफ एक्स को छोड़ दीजिए। अब देखिए ये फॉर्मूला को भी याद करने का हम तरीका बता देंगे, ठीक है। पहले आप देखिए कि कैसे लिख रहे हैं हम, जी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दिया, ठीक है, उसके बाद से बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दिया, फिर हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ये वाला जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है इसका डी एक्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम बोल करके लिखते हैं, उसी तरह से आपको भी बोलना है और लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। देखिए सबसे पहले तो देखिए क्या है कि दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन ये है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। पहला फंक्शन हम क्या ले लिए, एफ एक्स ले लिए, दूसरा फंक्शन हम क्या ले लिए, जी एक्स ले लिए। तो अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का जो हल आएगा वो क्या होगा, तो पहले फंक्शन को इसी तरह लिख दीजिए, एफ एक्स को लिख दीजिए, मतलब इस तरह से बोल दीजिए, पहले फंक्शन को हम इसी तरह लिख दिए, कुछ नहीं किया, पहले फंक्शन को हम इसी तरह लिख दिए, फिर जिस फंक्शन को हम छोड़े हैं तो किसको छोड़े हैं, जी एक्स को, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लीजिए, जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लीजिए, फिर माइनस दीजिए साइन यहाँ पे, ठीक है, उसका से इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन दीजिए, बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद से फिर जिसका, देखिए इस तरह से दो फंक्शन है, फंक्शन वन फंक्शन टू, पहले फंक्शन को इसी तरह लिख दीजिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब दूसरे फंक्शन को तो कुछ किया नहीं है अभी तक, तो दूसरे फंक्शन का क्या ले लीजिए, डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लीजिए, ठीक है, फिर इंटू तो यहाँ रहेगा ही, इंटू दे दीजिए, फिर क्या बच गया आपका, जी एक्स बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स दे दीजिए यहाँ, ये जी एक्स वाला का अथी है डी एक्स है, ये जी इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करिएगा तो उसका डी एक्स है, लेकिन इस ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका डी एक्स कहाँ, इसका डी एक्स यहाँ पे। तो इस तरह से पढ़ना, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए इसी तरह से, उसके बाद से जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लीजिए, माइनस जिस फंक्शन को छोड़ दिए थे उसका डिफरेंशिएशन, इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन है तो जी एक्स तो रहेगा ही डी एक्स, फिर ये टोटल इंटीग्रेंट का डी एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को इस तरह से पढ़ना, याद रखना, क्या करना है सिंपली, देखिए दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन को इसी तरह छोड़ दीजिए, ठीक, फिर जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लीजिए, जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लिए तो लिख दिए जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस दीजिए बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, क्योंकि ये होल इंटीग्रेशन किस पे, ये पूरे एक्सप्रेशन पे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, एफ एक्स लिखिए, पहले फंक्शन को इसी तरह लिख दीजिए, जी एक्स का इंटीग्रेशन ले लीजिए, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन दीजिए, फिर जिस फंक्शन को छोड़ दिए थे उसका क्या लीजिए, डिफरेंशिएशन ले लीजिए, जिस फंक्शन को छोड़ दिए थे उसका डिफरेंशिएशन लिए, फिर इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर जो है आपको ये होल इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ को याद रखने का, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा और थोड़ा सा जिस तरह से हम बोले उस तरह से अगर ध्यान दीजिएगा तो ये याद हो जाएगा। दो फंक्शन है,
पहला फंक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर से देखिए ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, माइनस का साइन दीजिए, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फिर जिस फंक्शन को छोड़ दिए थे आप, मतलब एज इट इज़ लिखे थे, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए, फिर इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, फिर आपको टोटल का इंटीग्रेशन। आई होप सो कि अब याद करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए अब इस फॉर्मूला का कहाँ यूज आएगा, चलिए तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा इस फंक्शन को थोड़ा देखने के लिए, इस इंटीग्रेशन को देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारा भी डाउट आ रहा होगा, सबसे पहले डाउट कि ई फंक्शन वन क्या है, फंक्शन टू क्या है, ठीक है, और भी बहुत सारा भी डाउट क्रिएट होगा इसमें आपको। लेकिन अभी हमको क्या करना है, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं आगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक कोई, तो ये फॉर्मूला आप लोग अभी लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, हम यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं ताकि आपको क्योंकि ये न्यू है तो सामने रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए मान लेते हैं कि देखिए हमको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन निकालना किसका, इंटीग्रेशन निकालना है एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कॉस एक्स का तो इंटीग्रेशन पता है, लेकिन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है ना, तो ये किस मेथड पे आपको मैच कर रहा है, देखिए इससे मैच कर रहा है इस से, तो इसमें क्या है, देखिए ये है, ठीक है, और ये है, इसको हम एफ एक्स मान सकते हैं, इसको हम एफ एक्स ले सकते हैं, मतलब ये पहला फलन है, पहला फंक्शन है, और इसको हम दूसरा जी एक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पर हम तोड़ेंगे तो एफ एक्स यानी कि पहला फंक्शन हम किसको ले लिए, एक्स को लिए, और दूसरा फंक्शन हम किसको ले लिए, जी एक्स को ले लिए। तो अब फॉर्मूला पे हम तोड़ते हैं, इस पे तोड़ते हैं फॉर्मूला पे, क्या करना है, एफ एक्स को एज इट इज़ लिख देना, यानी कि एक्स को एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन लीजिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा आपको, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस दीजिए, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन दीजिए, बड़ा सा इंटीग्रेशन साइन दीजिए। अब जो फंक्शन को हम छोड़ दिए थे, एक्स को छोड़ दिए थे, उसका कुछ नहीं किए थे, अब उसका क्या लेंगे हम, डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लेंगे, फिर सिंपली इंटीग्रेशन का साइन देंगे, छोटा सा इंटीग्रेशन का साइन, और किसका इंटीग्रेशन लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स, और ये वाला जो डी एक्स लिखा है किसका, ये वाला डी एक्स इस बड़े वाले इंटीग्रल का लिखाएगा, ये वाला डी एक्स इस बड़े वाले इंटीग्रल का लिखाएगा, ये जो बड़ा वाला इंटीग्रल है ना, ये वाला इसका है ये डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो क्या होगा, एक्स तो एज इट इज़ यहाँ लिखाएगा, फिर कॉस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स, साइन एक्स इसका, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, फिर क्या होगा, माइनस होगा ये माइनस वाला, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन होगा, तो वन इंटू, फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर ये आपको ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स का क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है, यानी कि इसका क्या होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स हो गया, फिर ये ब्लू वाला डी एक्स, तो ये तो रहेगा ही डी एक्स, तो आप बताया ना ये डी एक्स बड़ा वाला किसका था, ये ब्लू वाला, ये बड़े वाला का डी एक्स था, ठीक। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स ये वाला, फिर माइनस ये वन इंटू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस सी तो रहेगा ही क्योंकि हम अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं, तो अल्टीमेट आपको सी भी देना। लेकिन एक चीज़ हम इसमें और बताएंगे, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे डाउट आएगा कि सर इसका जब इंटीग्रेशन किए, इसका जब इंटीग्रेशन किए तो यहाँ पे सी कहाँ कहाँ लिखे, और इसका जब इंटीग्रेशन किए ये वाला चीज़ का इंटीग्रेशन, तो यहाँ सी क्यों नहीं लिखे आप, और इसका जब इंटीग्रेशन किए तो यहाँ सी प्लस सी क्यों नहीं दिए। देखिए क्या होगा ना, इसका सी दीजिएगा, इसका सी दीजिएगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो देने नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या करिए, अनिश्चित समाकलन जब भी करिए तो लास्ट में आप सी दे दीजिए, तो वो सारा कॉन्स्टेंट को एक साथ अपने में रख लेगा, तो वो बिग इशू नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाला क्या होता है, पॉइंट पे आते हैं,
समझ गए इस फॉर्मूला पे कैसे तोड़े हम, ये वाला फॉर्मूला पे, इस पे हम ये वाला फॉर्मूला पे तोड़े ना इस फंक्शन को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातें उठती है, दो तीन बातें ये उठती है कि सर आप एफ एक्स जो है एक्स को ही क्यों लिए, मतलब पहला फंक्शन जो है आप एक्स को ही क्यों लिए और दूसरा फंक्शन जो है आप कॉस एक्स को क्यों लिए। हम ऐसा भी तो कर सकते, कोई स्टूडेंट ऐसा है, चलिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि आएगा बोलेगा कि सर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कॉस एक्स फिर एक्स डी एक्स, और हम लोग आपको याद दिलाते कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और ये हम बता देंगे कि इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्यों बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा स्टूडेंट आया बोला कि सर हम इसको जो है एफ एक्स ले लेते हैं, इसको जो है हम एफ एक्स ले लेते हैं और इसको जो है हम जी एक्स ले लेते हैं, मतलब कि इसको हम पहला फंक्शन ले लेते हैं, इसको हम दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। हम बोले चलो ठीक है ले लो, चलो तो ले लो, अब इसको सॉल्व करो। तुम क्या करो, पहला फंक्शन फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो पहला फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, पहला फंक्शन को एज इट इज कुछ नहीं करना है, लिख दिए फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन निकाल दिए, फिर माइनस साइन दिए, बड़ा सा इंटीग्रेशन लिख के, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा जो क्लियरिटी अगर नहीं होगा तो आपको क्लियर हो जाए, बड़ा सा इंटीग्रेशन दिया, बड़ा सा इंटीग्रेशन दिया। फिर क्या करेंगे हम, जिस फंक्शन को हम छोड़ दिए थे, जिसका हम कुछ नहीं किए थे, जिसका हम कुछ नहीं किए थे यानी पहला फंक्शन का, उसका क्या ले लेंगे, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, फिर छोटा सा इंटीग्रेशन देंगे, फिर किसका लिख देंगे एक्स डी एक्स, फिर ये तो ब्रैकेट के अंदर बंद होगा, फिर किसका डी एक्स आएगा, डी एक्स बड़ा वाला इंटीग्रल का डी एक्स, डी एक्स। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए, अब तो ये काफ़ी आसान हो गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस एक्स तो एज इट इज लिखा जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर या कॉस एक्स को ब्रैकेट में दे दीजिए ताकि एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये बड़ा सा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस होगा माइनस साइन एक्स होगा, तो यही माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन लेगा तो माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस को बाहर निकाल के यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ पे साइन एक्स लिखें, साइन एक्स, फिर इसका इंटीग्रल भी तो लेना है अभी, तो इसको इंटीग्रल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, देखिए जब बीच वाला का इंटीग्रेशन करिएगा तो आपको कॉन्स्टेंट का चिंता मत करिएगा, लास्ट में ही कॉन्स्टेंट दे देंगे, वैसे कट जाता है लेकिन लास्ट में कॉन्स्टेंट दे देंगे हम। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन लिखे, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखे, ये बड़ा सा इंटीग्रल तो रहेगा, फिर इसका डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे पेच क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फिर जो है आप जो इंटीग्रेशन किए, फिर जो है आप इंटीग्रेशन जो किए इस फंक्शन का, इस फंक्शन का, मतलब कि दो फंक्शन था इसमें, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन था, क्या दिक्कत हुआ, इस इतना दूर तो सॉल्व हो गया, लेकिन फिर जो ये इंटीग्रल आ रहा है ये दर्द दे रहा है हमको। इस केस में जो ये इंटीग्रल यहाँ आया था, ये वाला जो इंटीग्रल आया था, ऐसा इंटीग्रल आया था जिस जो कि हम जानते थे, नॉन था, पहचानते थे, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे हम इजी वे में कर दिए। ठीक, अब जो ये इंटीग्रेशन आ रहा है, ये इंटीग्रेशन अब किस में फंस जा रहा है, फिर से ये एफ एक्स हो गया, पहला फंक्शन हो गया, और ये सम अदर फंक्शन ले लीजिए, मान लीजिए पी एक्स, ये हो गया पी एक्स हो गया, और ये के एक्स हो गया। ठीक है, तो फिर से अब इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि प्रोसेस जो है आगे आपको फिर इंटीग्रेशन करना होगा, फिर इसको आप किस पे तोड़िएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन आपको किस तरह से निकालना होगा, सेम ये एफ एक्स जी एक्स पे आया तो फिर यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला, क्या पहला वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, ये वाला फार्मूला इस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम क्या आया, दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत को पहचानिए, यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं हुआ था, पहला जो हम लिए थे, सॉरी जो हम रुकिए, हाँ पहला जो हम क्या लिए थे कि एक्स को पहला फंक्शन मांगे थे, एक्स को जो हम फर्स्ट फंक्शन माने थे और कॉस एक्स को जो हम सेकेंड फंक्शन माने थे। इस केस में क्या किए हम, कॉस एक्स को पहला फंक्शन मान लिए और एक्स को जो है हम दूसरा फंक्शन मान लिए। तो जब हम ये किए तो हम इस ट्रैप में फंस गए, मतलब कि लंबे प्रोसेस में फंसने वाले हैं अब हम। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको फिर से निकालना पड़ेगा, फिर आगे प्रोसेस करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक इस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं निकला है। लेकिन जब हम इसको इस तरह से माने थे, ठीक है, तो हम ट्रैप में नहीं फंसे थे, हम फंसे नहीं थे क्योंकि इसका जो अल्टीमेट हमको लास्ट जो है रिजल्ट आ गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको थोड़ा और स्टेप आगे फिर बढ़ा करके
आगे इंटीग्रेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इंटीग्रेशन हमको मिल गया है। तो अल्टीमेट ये स्टोरी है दो कि जो फंक्शन का चॉइस है, जो फंक्शन दो को फंक्शन है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन है, तो ये चॉइस आपको एकदम सोच समझ के करना पड़ेगा। और इस तरह से चॉइस करना पड़ेगा, पहला फंक्शन किसको माने और दूसरा फंक्शन किसको माने, ताकि हमको इंटीग्रेशन रिजल्ट एकदम आसानी से आ जाए। तो ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक्चुअली इसका तरीका होता है। हम आपको अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरह से हमको मानना है, पहला फंक्शन किसको माने, दूसरा फंक्शन किसको माने, ताकि इंटीग्रेशन जो है आसानी से निकल जाए। तो इसमें आपको यही था ना, देखिए पहला हम इससे लिए, पहला एक्स को लिए, दूसरा इसको लिए, तो आपको इंटीग्रेशन एकदम आसानी से निकल गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करिए पहला फंक्शन के चॉइस में कि पहला किसको मानना है, दूसरा किसको मानना है, तो फिर आपको मतलब फंस जाइएगा। और एक चीज़ अगर बहुत जनरल वे में हम बात करें तो देखिए, तो जो देखिए हम लोग किसका इंटीग्रेशन पढ़े, देखिए इसको हम फिर से यहाँ क्लियर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन पढ़े। फॉर्मूला के वाइज लिखे तो इसको अगर मान लेते हैं एफ एक्स, इसको जी एक्स मान लेते हैं, तो अगर फॉर्मूला के वाइज लिखे तो एफ एक्स को इस तरह रख दीजिए, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लीजिए किसका, जी एक्स का इंटीग्रेशन लीजिए, जी एक्स डी एक्स, फिर यहाँ माइनस साइन दीजिए, बड़ा सा इंटीग्रल का साइन दीजिए, फिर जिसका इंटीग्रेशन नहीं लिए थे उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए एफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर इसको डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मतलब पहला फंक्शन उसको मानिए, पहला फंक्शन उसको मानिए जिसका कि आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो पहला फंक्शन किसको माने थे, जिसमें आपका आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व, पहला फंक्शन एक्स को माने थे आप, तो पहला फंक्शन आपको जो है, ठीक है, तो ये जो है आप पे मतलब पहला फंक्शन उसको मानना है। आपको हम जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरह से फंक्शन मानना है, पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको जो है हम लोग एक बार रिविजिट कर दे रहे हैं क्या क्या इस लेक्चर में हम लोग किए। मेनली हम लोगों ने 1 से 16 लेक्चर में देखा क्या क्या बेसिक फार्मूला देखा, और एक मेथड पढ़ा था, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इंटीग्रेशन निकालने का, जिसको कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं समाकलन का। और भी जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर दो फंक्शन है तो उसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला का भी कैसे होता है, और ये हम डायरेक्ट आपको लिखा दिए हैं, हम आपको डेराइव नहीं करवाएं कि कैसे आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट इस रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। तो इस तरह का जब यह होता है तो उसको इंटीग्रेशन हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्मूला पे पुट करके, ठीक है। और उसको कैसे याद करते हैं वो हम तरीका थोड़ा सा बताएं, हिंट दिए थोड़ा सा, ताकि आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है याद करने का तो आप खुद देख लीजिएगा कैसे इसको याद करना है। उसका से मैंने एक एग्जांपल लिया और उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिफ़िकल्टीज़ बताई कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको हो सकती है। सबसे पहले डिफ़िकल्टीज़ क्या हो सकता है कि सिलेक्शन, मतलब किसको पहला फंक्शन ले, दूसरा फंक्शन क्यों ले, और क्या प्रॉब्लम आएगा। तो इस एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन का चॉइस गलती हो रहा है तो इंटीग्रेशन जो है आगे आपको बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत जो है लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन का चॉइस सही है तो इंटीग्रेशन तुरंत निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर में यह सीखना है कि फंक्शन का चॉइस किस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी जो है आपका इस लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। तो जाते जाते पहले आप लोगों का जो है 12 बजे से MCQ तो चल ही रहा है, 12 बजे से MCQ किसका चल रहा है, MCQ मैट्रिक्स का चल रहा है। फिर उसके बाद से आपका जो है 7:30 से शाम में इवनिंग में आपका डिटर्मिनेंट का क्लास चल रहा है, यानी कि सारणिक का क्लास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से फिर आपका 7 बजे से तो इंटीग्रेशन का क्लास चल ही रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जो है इस क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है यहाँ से आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन किसी भी पॉइंट से मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।